ब्रो WR2D करो करो मतलब WR2D प्ले। आई थिंक WR2D इज बेटर देन WR3D। इस चीज के ऊपर नहीं बोलूंगा। WR2D खेलो भाई। अबे चुप, खेल रहा हूँ। So guys, जी हाँ, WR2D WR2D यानी कि रेसलिंग रिवॉल्यूशन इज बैक ऑन द चैनल बेबी। तो गाइज, मैं जानता हूँ तुम लोग में से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि अब ये WR2D नहीं खेलेगा। बहुत लोगों ने सोचा होगा कि भाई बस अब खेल खत्म, अब और आगे सीरीज बढ़ेगी नहीं। बहुत लोगों ने तो उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया होगा। बट मैं इस गेम को ऐसे नहीं छोड़ सकता, ऐसे नहीं जाने दे सकता भाई। चैनल की मोस्ट पॉपुलर सीरीज यही तो है हमारे। तो गाइस, आज हम लोग एक बार फिर से वही मैच खेलने वाले हैं जो हम लोग ने लास्ट टाइम खेला था, जिसमें हमारा रोमरेंस फेल हो चुका था। और गाइस, वही सेम मैच आज हम एक बार फिर से खेल रहे हैं, पर आज हमारे रोमरेंस की जगह पर है ब्रॉक लेसनर। वैसे भी गाइस, हमारे ब्रॉक लेसनर का बीस्ट इनकार्नेट वाला रूप वापस से आ चुका है। इसके लिए मैंने सोचा है हमारे चैनल पे भी ब्रॉक को आना ही चाहिए। ओके गाइस, पहला ही बंदा है गोल्डबर्ग। खत्म। गोल्डबर्ग को लास्ट में देना चाहिए भाई, स्टार्टिंग में डाल दिया उसको। या गोल्डबर्ग, भाग जा यहां से। तुझे हराए बिना कैसे जाऊंगा। गाइस, यहां पे मैच चालू हो चुका है। ओ और गाइस, ये बार भी ओ भाई, पहला पावर स्लैम लगा दिया गोल्डबर्ग ने। भाई गोल्डबर्ग से हारना, सॉरी गोल्डबर्ग से जीतना आसान नहीं होगा मेरे लिए। पर भाई, मेरे को इतना तो पता है कि मैं पहले ही मैं नहीं हारूंगा। एटलीस्ट मैं 4-5 बंदों को एलिमिनेट करूंगा। गाइस, टोटल 9 बंदे आते हैं इस मैच में। पूरे मैच में टोटल 10 बंदे होते हैं हमारा कैरेक्टर लेके, और हमें ये देखना होता है कि लास्ट तक हमारा बंदा सर्वाइव करेगा कि नहीं, जिसे हम लोग ने नंबर 1 लिया है। तो गाइस, गोल्डबर्ग तो बहुत ही मार रहा है हम लोग को। नहीं भाई, अभी तक सुप्लेक्स, एक भी सुप्लेक्स नहीं पड़ा, और ये पड़ा पहला सुप्लेक्स। ओके सो गाइस, ब्रॉक लेसनर का बीस्ट इंटरनेट वाला रूप, द बेस्ट ब्रॉक लेसनर एवर। हाँ भाई, वो काउबॉय वाला भी अच्छा था, बट इससे अच्छा नहीं। बात तो सही है। देखो गाइस, गोल्डबर्ग अब रिंग के बाहर भाग रहा है। अरे काय का भाग रहा है, तो अभी भी मार रहा है। ये ले भाई, ये क्या स्पीयर दिया ब्रॉक ने। वाओ, स्पीयर देने वाले को ही स्पीयर दे दिया। ओके भाई, तो गाइस अब हम लोग नीचे हैं, तो फिर हम कितना भी मारेंगे किसी भी चीज से, हम डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। डिस्क्वालीफाई हम लोग तब होंगे अगर हम लोग रिंग में किसी चीज से हमारे अपोनेंट को मार रहे। पर भाई, यहाँ कौन बोलने वाला है। और ये एक और प्रेस स्लैम, भाई फिनिशर आ गया। चल चल चल, अंदर चल गोल्डबर्ग के बच्चे, अंदर चल। हम लोग का फिनिशर जाना नहीं चाहिए। और ये दिया हम लोग ने एक F5। ओके देन वन। अबे भाई, F5 खा के भी इसने 1 भी नहीं पिन होने दिया। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और गाइस, ये DDT लगा दिया, इस बार तो शायद हो जाएगा पिन। और ये 2 और ये 3 गोल्डबर्ग। ओके सेथ रॉलिंस, भाई मेरे को पता नहीं क्यों सेथ रॉलिंस को बहुत मारने का मन करता है जब मैं ब्रॉक को लिया रहता हूँ तब। ओके आते ही एक सुप्लेक्स लगा दिया है। सेथ रॉलिंस ने बहुत बुरी तरह हराया था ब्रॉक को एक बार। और ये दूसरा सुप्लेक्स, और ये फिनिशर आ गया। कम ऑन। ओके भाई, ये फिर से उठ गया और अपना फिनिशर गया नहीं। और ये दूसरा F5 खत्म। भाई ये तो आते ही गया। अबे भाई, ये क्या है, ये F5 की क्या है इस गेम का। भाई उसको एक F5 लगाया तो उसने एक नहीं पिन होने दिया, इसको 2 F5 लगाया तो भी इसने एक नहीं पिन होने दिया। ए उठा ले रे देवा। अब अगला बंदा क्या, उसको क्या 3-3 F5 करना पड़ेगा तो भी नहीं पिन होने देगा। और ये पावर बॉम्ब पे दिया, ये देखो पावर बॉम्ब पे एलिमिनेट हो गया, पर 2-2 F5 लगाए उस पे नहीं एलिमिनेट हो पाया। क्या फिनिशर है यार इस गेम का, क्या गुंडा बनेगा रे तू ब्रॉक। गाइस कौन है चौथा बंदा। रैंडी ऑर्टन, आओ बेटा आओ। भाई एक से बढ़ के एक अपोनेंट आ रहे हैं ब्रॉक के लिए, सब वही आ रहे जिनके साथ में ब्रॉक लड़ चुका है। भाई उस बार रोमरेंस ने काफी अच्छा कंपटीशन दिया था, उस बार भी रैंडी ऑर्टन आया था और रोमन को नहीं रोक पाया था, मतलब रैंडी ऑर्टन को तो एलिमिनेट कर ही दिया था रोमन ने। इस बार भी ब्रॉक को रोकने आया पर ये नहीं रोक पाएगा। क्या इतना बुरा हूं मैं मां। और रैंडी ऑर्टन के फैंस, प्लीज मेरे को गालियां मत देना कमेंट में, वरना भाई तुम लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हो आजकल, देख रहा हूँ मैं। भाई मैं जर्मन सुप्लेक्स कैसे दे सकता हूँ यार, अभी तक मैं सिर्फ एक ही सुप्लेक्स देना सीखा हूँ, ये बेली टू बेली वाला, और कोई भी सुप्लेक्स नहीं आते मेरे को, नॉर्मल सुप्लेक्स भी नहीं आता है। और ये पावर बॉम्ब, और अब टांग खींचते हुए। गाइस टांग खींचने का मतलब होता है किसी के साथ मजाक करना, पर भाई
WWE में टांग खींचने का मतलब कुछ और ही होता है, यही होता है। ओके गाइज, अब फिर से फिनिशर आ गया। अबे फिर से टांग नहीं खींचनी, अरे फिर से टांग नहीं खींचनी यार, F5 देना है। कम ऑन, नीचे चैंपियनशिप भी पड़ी हुई है, अच्छा मौका है। कम ऑन, पटक दिया है हम लोग ने फिनिशर के और चैंपियनशिप के ऊपर। ओ रैंडी ऑर्टन भी जाओ बच्चा, घर पे जाओ। चलो चलो चलो, अब कौन आया भाई? ओके जॉन सीना आया है पांचवे नंबर पे। सो गाइज चढ़ जाओ ऊपर भाई। इन लोग को ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग जब ऊपर चढ़ जाएंगे तो फिर सीधा हमारे ऊपर ही लैंड करेंगे। ओके अरे ये क्या हुआ भाई, मैंने तो इसको आगे फेंका, ये तो पीछे जाके गिर गया। ओ भाई जॉन सीना के एक अंधे में देखा तुम लोग ने कितनी ताकत थी भाई। मेरे को जॉन सीना इस गेम में ब्रॉक से बड़ा क्यों लग रहा है? बात तो सही है। भाई तुम लोग ही देख के बताओ, इसका साइज ब्रॉक से ज्यादा नहीं लग रहा? अबे यार रॉक ब्रेक है, अबे रॉक ब्रेक है, तेरे को समझ में नहीं आता क्या? जॉन सीना यू कैंट सी मी, देखो अभी ऐसा पटकूंगा ना कि सही में दिखाई नहीं देगा WWE में। 1 2 और ये 3 भाई जॉन सीना इतनी आसानी से, भाई मैं पावर बॉम्ब दे रहा हूँ तो ये लोग एक झटके में एलिमिनेट हो जा रहे हैं। दो दो F5 लगा रहा हूँ तो एलिमिनेट ही नहीं हो रहे, क्या है ये? ओके बिग शो भाई आ जा। बिग शो यार, बिग शो थोड़ा सा बड़ा है और बड़े लोग को मारने में, अरे भाई भी मैंने बोला था बड़े लोग को मारने में वाट लग जाती है, पर भाई बिग शो ने हमारा विमल पान मसाला निकाला था, अब हम इसका मसाला निकालेंगे। भाई क्या सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स दे रहा है ना हमारा ब्रॉक, ये देखो एकदम स्मूथ भाई। अरे आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। F5 लगा दिया है चैंपियनशिप के ऊपर, वो भी दोनों चैंपियनशिप के ऊपर। अब तो ये बंदा किक आउट नहीं कर पाएगा। कहां हो तुम, कहां हो तुम, नेक्स्ट अपोनेंट कहां हो तुम? ओके कैन, मेरे को तो लगा था अंडरटेकर आएगा इसके बाद। भाई कैन तो बहुत मार रहा है, पर भाई इस बार अब ब्रॉक किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इस बार ब्रॉक लेकर आ गया रिंग के अंदर टेबल, और टेबल के ऊपर सिर्फ एक मूव देना है, टेबल तोड़ना है, फिर बंदा किक आउट कर ही नहीं सकता। अगर वो एक बार टेबल के ऊपर उसको मार दिया तो वाह क्या पटका है। ओके अभी भी उठ रहा है, अभी भी जान बची है, ये ले। अब तू तो क्या, तेरा भाई अंडरटेकर भी नहीं आते तेरे को बचा सकता। भाई अंडरटेकर के नाम में देख रहे हो इतना दम है, किसी अंडरटेकर का नाम लेने पे बंदा किक आउट कर देता है। भाई अब तो पिन कर देता हूँ, अब तो हार मान जा। भाई फिनिशर यार, इतनी जल्दी मेरे को टॉन्ट नहीं मानना चाहिए था, बहुत जल्दी फिनिशर आ गया है गाइस। रैम स्टीरियो, भाई ये बच्चा क्या करेगा? सॉरी गाइस मैं बच्चा नहीं बोलना चाहता था, पर ये F5 लगा दिया है हम लोग ने, और ये 1 2 नो नो नो। देखो गाइस मैं खुद रैम स्टीरियो को डिफेंड कर रहा था, पर मेरे को नहीं मालूम था कि हमारा ब्रॉक इसको एक बार में क्लियर पिन कर देगा। ओके रोमन रेंस, भाई ये बंदा सेकेंड लास्ट पे रोमन रेंस आया है, जो कि लास्ट मैच में 1v1 में नंबर 1 पे था। तो गाइस क्या हमारा रोमन रेंस ब्रॉक के जीतने में मुश्किलें ला पाएगा, या फिर ब्रॉक उसे भी औरों की तरह मजा चखा कर घर पे वापस भेज देगा? गाइस क्या कमेंट्री कर रहा हूँ मैं, और ये यहाँ पे हमारे दोनों सुपरस्टार कमेंट्री टेबल के ऊपर चढ़े हुए हैं, और हमारा ब्रॉक भाई एक सुप्लेक्स लगा दे इसको। सॉरी गाइस F5 तो लगा नहीं भाई। अबे हमारा ब्रॉक कितना जोर से चिल्लाया, सुना तुम लोग ने? नहीं गाइस, एक माले के ऊपर से फेंका इसने हमारे ब्रॉक को, भाई हमारे ब्रॉक का हाथ टूट गया। गाइस ये सेकेंड लास्ट बंदा था, इसको हराने बाद एक और लास्ट बंदा आने वाला है यार। हमारा ब्रॉक जीत जाता इस मैच को, रोमन तो वो हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर पाया, पर ब्रॉक हमारा हिस्ट्री जरूर क्रिएट कर देता 1v1 के मैच को जीतने का। अब मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा। ओके भाई टेबल टूट गया, सॉरी चेयर टूटी है इस बार। 1 2 3 रोमन रेंस भी एलिमिनेट हो चुका है, पर भाई रोमन रेंस ने बहुत बड़ा जख्म दिया है ब्रॉक को। वैसे कौन सा हाथ टूटा, लेफ्ट या राइट? राइट वाला, सॉरी लेफ्ट वाला। ओके 10 नंबर पे आ चुका है हमारा स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जिसने लास्ट मैच में रोमन रेंस को आके हरा दिया था। भाई अबे गधे, हाथ में वो टीवी लेके काय को मार रहा था। गाइस ये लास्ट बंदा था, इसे अगर हरा देते फिर
भाई हमारा ब्रॉक भी वन वर्सेस ऑल मैच को नहीं जीत पाया अपनी बेवकूफी के वजह से। पर गाइस आप लोग एक लाइक करके मेरा मूड अच्छा कर सकते हो, और गाइस आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि अगर हम वन वर्सेस ऑल एक और बार करें फिर हम नंबर वन पे किसे रखें।